भारत चीन में जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को यूरोप से हटाना शुरू कर दिया है। इसका ऐलान खुद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया। उन्होंने बताया कि यूरोप से हटाकर अमेरिकी सैनिकों को उन जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी आक्रामक सैन्य कार्रवाई को बढ़ा दिया है। हम अपनी सेना को भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण चीन सागर के उन जगहों पर तैनात करने जा रहे हैं जहां चीन की सेना से सबसे ज्यादा खतरा है। माइक पॉम्पियो के अनुसार चीन लगातार अपने शांतिपूर्ण पड़ोसियों को धमका रहा है। उसकी उकसावे वाली सैन्य कार्रवाइयों की वजह से इलाके में अशांति पैदा हो रही है।